देखिए, हेडिंग इज व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन क्राइम। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रोल ऑफ पुलिस इन प्रीवियस चैप्टर। फ्रॉम चैप्टर 5 वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ पुलिस, बट इन दिस पैराग्राफ वी हैव टू डिस्कस क्लियरली कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ पुलिस, है ना, इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस, देखेंगे। सबसे पहला ही आंसर यही पर दिया है कि पुलिस का वर्क क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग, यही पर दिया है, इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। व्हाट इज द वर्क ऑफ पुलिस, तो आप यही से सीधे सीधे कह सकते हैं द वर्क ऑफ पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, है ना। ये तो डायरेक्टली आपका एक आंसर क्वेश्चन में ही हिडन है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस क्या है। पुलिस का इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू इन्वेस्टिगेट, यही चीज मैंने बताया, इज टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब आप जानते हैं ना, निरीक्षण करना, इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में जो क्लास में जिस टीचर की ड्यूटी लगी होती है वो इन्विजिलेटर होता है, आप लोगों को मालूम है ना, इन्विजिलेटर होता है। इन्विजिलेटर वाले कॉलम पर वो साइन करते हैं ना, इन्विजिलेटर वाले। तो इन्विजिलेटर कहाँ, किस वर्ड से बना है, इन्विजिलेशन से, इन्वेस्टिगेट से बना है। मतलब क्या होता है कि एक जो क्लास में जिस टीचर की ड्यूटी लगी हुई है वो आपको पूरी तरह से वॉच करते हैं। आपके पास अगर कुछ भी संदिग्ध रूप में पाया गया तो आपके खिलाफ कार्यवाही भी हो जाती है। एग्जाम के दौरान पेपर आपसे ले रखवा लिया जाता है या सीधे आपको एग्जाम के बाहर निकाल दिया जाता है ना। आपके घर में कंप्लेंट पहुंच जाती है, या हो सकता है कि आपको स्कूल से ही बाहर निकाल दिया जाए कि आप नकल लिया वगैरह जो भी कुछ लेकर, अगर मान लीजिए कोई आ गया तो एज अ इन्विजिलेटर के रूप में जो काम करता है वहां पर, पुलिस भी इस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। देख रहे हैं आप कि वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस क्या है, इन्वेस्टिगेट करना एनी कंप्लेंट, किसी भी कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है वो, कैसी भी कंप्लेंट हो सकती है। अबाउट द कमीशन ऑफ क्राइम, किसी भी क्राइम के होने पर। एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, और इस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, यू नो, किसी ने कुछ कहा, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, अंडरलाइन करिएगा। देखिए विटनेस, हाईलाइट है, विटनेस का मतलब क्या होते हैं, गवाह, क्या होते हैं, गवाह होते हैं। विटनेस का मतलब गवाह, गवाह किसी भी रूप में हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जो लिविंग होगा उसका तो रिकॉर्ड रख लिया जाएगा, लेकिन नॉन लिविंग का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, वो भी रिकॉर्ड में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ घटना हुई, कोई मर्डर हुआ या कोई और बात हुई, तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है उसको कुछ भी मिलता है तो एज एविडेंस के रूप में, ठीक है ना, साक्ष के रूप में उसको रख लेती है। हालांकि वो विटनेस नहीं होते, गवाह नहीं होते, लेकिन वो नॉन लिविंग होकर भी बहुत कुछ बोलते हैं। कहते हैं ना कि वारदात के समय में जो कुछ भी मिलता है ना, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, तो वो भी एक तरह से आप समझ सकते हैं। और विटनेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ, ये सब क्या था, डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस था। तो पुलिस का काम क्या है कि डिफरेंट टाइप, डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस को क्या कर लेती है, कलेक्ट करती है। एविडेंस का मतलब क्या होता है, साक्ष्य होता है। ये वर्ड याद रखिएगा, एविडेंस, बार बार वर्ड आएगा। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब होता है कि कोर्ट में पुलिस प्रस्तुत क्या करेगी, ये पुलिस क्यों कलेक्ट कर रही है। पुलिस को मजा आ रहा है कलेक्ट करने में, नहीं, पुलिस को इसलिए कर रही है बिकॉज पुलिस हैज नॉट वर्क, पुलिस का ये काम नहीं है किसी व्यक्ति को क्या करना, ये बताना कि तुम क्या हो, कन्विक्टेड हो। पुलिस का काम कन्विक्ट करना नहीं है, दोषी ठहराना किसी को नहीं है, ये बताना कि आप निर्दोष हो या आप इनोसेंट हो कि नहीं हो, ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम कोर्ट का है। पुलिस का काम है व्यक्ति को पकड़ना संदेहास्पद स्थिति में, एविडेंस कलेक्ट करना, और जब ये लगे कि हाँ ये अपराधी है तो उसको कोर्ट में, उसकी फाइल को कोर्ट में फाइल कर देना, है ना, उसके मैटर को कोर्ट में फाइल कर देना। वहां पर कोर्ट डिसाइड करता है, और कोर्ट पूछेगा कि आपने किस आधार पर, पुलिस से कहेगा कि आपने किस आधार पर इनको पकड़ा है, तो पुलिस सारे सबूत दिखाएगी, सारे एविडेंस दिखाएगी कि हमने ये चीज पाई, ठीक है। इसलिए उस समय के लिए पुलिस ये काम कर रही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और इसी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर क्या करती है पुलिस, पुलिस आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म एन ओपिनियन, है ना, पुलिस अपनी जो एक राय है वो बनाती है, ठीक है ना। If the police think that evidence points to the guilt of accused person, अगर पुलिस को लगता है कि जो मेरे एविडेंस हैं, जो मैंने एविडेंस कलेक्ट किया है, ये इस बात को दर्शाते हैं कि जो accused person है, accused मतलब जिस पर आरोप लगे हैं, accused का मतलब क्या होता है,
जिस पर आरोप लगे हैं वो क्या है, अपराधी होता हुआ जब दिखाई देता है कि हाँ अब लग रहा है कि जो हमारे पास एविडेंस इकट्ठा हो गए हैं अब ये साबित कर सकते हैं कि अपराधी है, पुलिस को खुद से कंफर्म होना पड़ता है। पुलिस जब अपने आप में तसल्ली कर लेती है, कंफर्म हो जाता है, तभी पुलिस आगे फाइल को क्या कर देती है, कोर्ट में प्रस्तुत करती है। देन दे फाइल अ चार्जशीट, वही दिया है कि अब पुलिस क्या करेगी, उसकी फाइल को चार्जशीट जो उसने बनाया हुआ है चार्जशीट कहां, कोर्ट में, कोर्ट में प्रस्तुत कर देती है। चार्ज का मतलब होता है आरोप, ठीक है ना। एक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहरा, चार्ज होता है ना, चार्ज तुम्हारे ऊपर ये चार्ज लगा है, तुम्हारे ऊपर ये चार्ज लगा है, ये वाला चार्ज, चार्ज की सीट बन जाती है, उसी को बोलते हैं चार्ज सीट, ठीक है। एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर इट इज नॉट द जॉब, और स्टार्टिंग के ही चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पुलिस का ये जॉब नहीं है। क्या जॉब नहीं है भाई पुलिस का, आइए देखते हैं पुलिस का क्या जॉब नहीं है। पुलिस का कोई ये जॉब नहीं है टू डिसाइड करना, क्या डिसाइड करना, कि वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पुलिस का ये काम नहीं है कि वेदर कोई पर्सन है इट इज गिल्टी और इनोसेंट, गिल्टी है कि इनोसेंट है ये कोर्ट डिसाइड करेगी, है ना। दैट इज फॉर जज टू डिसाइड, ये कौन डिसाइड करता है ये आपको मालूम होगा। चैप्टर टू अभी क्लियर हुआ नहीं तो उसमें थोड़ा दिया गया है रूल ऑफ लॉ के बारे में, है ना, विच मीन्स दैट एवरी वन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ द लैंड, एवरी वन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ द लैंड, क्या है कानून, है ना, प्रत्येक के लिए कानून का नियम क्या है। This includes the police, जिसमें पुलिस क्या बताती है, therefore police investigation always have to be conducted in accordance with the law, जो भी काम करेगी पुलिस लॉ के अकॉर्डेंस में करेगी, with the full of respect of human rights, और full of respect of human rights, human right का भी ध्यान रखेगी, मानवाधिकार का। मानवाधिकार का मतलब क्या होता है, human का right क्या होता है, human का right ये होता है कि पुलिस हैं आप तो पुलिस ये नहीं सोचती कि कोई व्यक्ति, पुलिस ने सोच लिया है कि नहीं ये बहुत ज्यादा चोरी कर रहा है, बहुत ज्यादा इसी ने काम किया है, तो पुलिस उसको वहीं मारना पीटना शुरू कर दे, ये उसके ह्यूमन राइट के अंगेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब आप सभी लोग, मैं भी और हर लोग, उनके पास अपना एक राइट होता है सर्वाइव करने का, जीने का, बोलने का, बताने का। और पुलिस का काम तो इन्वेस्टिगेशन करना है, एविडेंस को कलेक्ट करना है, और फिर जब चार्जशीट बन जाएगी चार्जशीट को कोर्ट में फाइल करना है, बस पुलिस का काम इतना है, ठीक है। इसके आगे तो पुलिस क्या कर देती है, ह्यूमन राइट का भी ध्यान रखती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निर्धारित किया, याद रखिएगा गाइडलाइंस वर्ड, गाइडलाइंस का मतलब होता है दिशा निर्देश, दिशा निर्देश। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं पुलिस को, पुलिस को कहा है कि मस्ट फॉलो द टाइम ऑफ अरेस्ट, पुलिस को कहा है कि आप जिस समय आप पकड़िए वो टाइम क्या कर लीजिए, अरेस्ट वाला टाइम भी नोट करिए। डिटेंशन एंड एट्रीब्यूशन, यानी टाइमिंग भी होना चाहिए, आपका जो आपका एक तरह से मेमो होता है अरेस्ट मेमो, वो भी आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। डिटेंशन एंड इंटरोगेशन, इंटरोगेशन का मतलब आप किसी से जो कुछ भी आप किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सारा रिकॉर्ड अपने पास रखिए, ठीक है ना, उसको सारा रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि आपसे एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पुलिस को अलाउ नहीं है कि आप टॉर्चर करें, बीटिंग करें। They can not inflict any form of punishment on a person every for pity of him, है ना, नहीं कर सकते। यहाँ अंडरलाइन करिएगा, ये आर्टिकल 22 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आर्टिकल 22 के बारे में, और ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको कम से कम 1 to 2 मार्क्स तक मिल जाते हैं, और इसको बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये जो भी ये स्टोरी आप पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड आर्टिकल 22 आता है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, ध्यान दीजिएगा, पुलिस जो कुछ भी काम कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में भी सारी बातें जो लिखी हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी आईपीसी की जो धारा है, पुलिस किस कानून को मानती है, आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड बना हुआ है, लॉ कानून का, पुलिस उसी के अकॉर्डिंग चलती है, और वो आईपीसी किसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ये मैंने आपको क्लास 7th में ही पढ़ाया हुआ था, जब मैंने मॉरल वैल्यू पढ़ाई थी एक चैप्टर, उसमें मैंने बताया हुआ था कि पुलिस किसको फॉलो करती है, तो आप बताएंगे सर पुलिस तो आईपीसी को फॉलो करती है, इंडियन पेनल कोड, उसमें जो नियम कानून अपराध बताए गए हैं पुलिस उसी में बहुत सारे नियम देख लेती है कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो इसको ये पनिशमेंट मिलेगा, इसको ऐसा करना है तो ऐसा पकड़ना है,
ये करेगी तो उसको अपराध माना जाएगा और उसको पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे जो आईपीसी हैं, ये आईपीसी बने जब जब बने थे, आईपीसी के कोड बने थे, तब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे देखा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या नियम है। कॉन्स्टिट्यूशन के बने हुए नियमों के अंडर में ही, आधार पर ही आईपीसी को बनाया गया है। ऐसा आईपीसी में कोई नियम नहीं बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को क्या करे, ब्रेक करे, ठीक है। तो पुलिस किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, आईपीसी, और आईपीसी किसके अंडर में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें दी गई उसके अंदर। तो बड़ा कौन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। मेन हमारा बेस क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हो गए, क्योंकि उसी को तो आधार बनाकर, बेस बनाकर सारे नियम कानून बन रहे हैं। ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बार ही मौके पर जब कोई टाइम मिल गया हमने बता दिया, टीचर ने बता दिया। अब स्टूडेंट की ड्यूटी है कि उस समय पर उस बात को अगर उसको अच्छे से समझ में आ गई है तो उसको कहीं फटाफट पेंसिल से नोट कर ले। हम बार बार हर जगह पे आपको टोकेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कि अब आप नोट करिए, अब आप ये करिए, अब आप वो करिए। पढ़ाई आप कर रहे हो, तैयारी आपको करना है, आप अपने हिसाब से पढ़ाई करिए। आप मुझसे कई बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो कई लोग देख रहे हैं, उन्हीं में से बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अपना फ्यूचर के लिए भी नोट बना के रख लेते हैं। उन्हीं में से कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी क्लास का ही नोट तैयार कर लेते हैं। उन्हीं में से कुछ होते हैं जो थोड़ा बहुत ही सुनते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो तैयारी सबकी अलग अलग तरीके की होती है। किसको किस तरह से तैयारी करनी है वो आपके लिए तय करिए। आपको लगता है कि मुझे केवल एग्जाम बेस्ड तैयारी करनी है, क्लास एट्थ की पढ़ाई बस करनी है, क्लास एट्थ में पास होना है मुझे, उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे क्लास एट्थ पास करने के अलावा भी आगे फ्यूचर में बहुत कुछ जानना है, वो चैप्टर ये सब वही चल रहा है। क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ में जो कुछ भी एनसीईआरटी में होता है वो आपके फ्यूचर में बार बार यही नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। इसी के आगे बात बढ़ेगी, इसके पहले बात नहीं आएगी, इसके आगे बातें बढ़ती हैं। तो ये बातें तो आपका बेसमेंट है, इसको तो आपको तैयार करना ही चाहिए। कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, ज्यादा आर्टिकल्स तो नहीं दिए गए हैं, तो जितने आर्टिकल्स दिए उनको रट डालिए। बुक में कहां कहां पर कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं, उन आर्टिकल्स को तो बिल्कुल रट ही डालिए कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया, जितनी बुक में है। बाकी सभी आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, तो जब सामने जो मिलता जाए उसको पढ़ते जाइए, है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन दे रहा है वो रट लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। कौन सा हमें क्या, कोई नई समिति आती है, कमेटी आती है, वो क्या सुझाव दे रही है उसको रट लीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये केवल आपके एट्थ बस के लिए नहीं है। ये जो बातें लिखी गई हैं कोई कहानी तो नहीं, ये बिल्कुल ट्रू बात है। ये आपके जहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अभी रखा हुआ है दिल्ली में, संविधान में जो बुक रखी हुई है वहां पर ये बातें लिखी हैं, वहां से निकाल कर आपकी बुक में प्रिंट किया गया है। तो सीधे सीधे आप लोग इसको समझ कर याद कर लिया करिए, जैसे जिसको याद हो। आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 22 है ये क्या बताता है, क्रिमिनल लॉ का मतलब फौजदारी कानून। मैंने आपको बताया हुआ था हिंदी में इसको फौजदारी कानून कहते हैं। तो चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 की बात करें और उसी के अंडर में जो फौजदारी लॉ आता है आपका क्रिमिनल लॉ, ये दोनों ही बातों में, दोनों में ही क्या लिखा हुआ है, ये गारंटी लेते हैं तो एवरी अरेस्टेड पर्सन, जो व्यक्ति पुलिस की कैद में आ गया है, अरेस्टेड पर्सन जो व्यक्ति पुलिस की कैद में मान लीजिए आ गया, पकड़ गया, तो इसका मतलब पुलिस किसी को पकड़ ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर ही हो, जरूरी नहीं है। क्या होता है हमारे मोहल्ले में, क्या होता है माइंडसेट होता है मोहल्ले में, गांव में, पड़ोस में, किसी व्यक्ति को जब कोई पुलिस पकड़ ले जाती है तो हमें लगता है कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया होगा, चोरी किया होगा, ऐसा किया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो व्यक्ति अपराधी हो ही। हो सकता है पुलिस संदेह के आधार पर उसको पकड़ रही हो, बाद में उसको छोड़ देगी जब पुलिस को पता चलेगा कि नहीं नहीं ये बल्कि गलत नहीं है, तो पुलिस अपना एक्सक्यूज करके उसको छोड़ भी देती है। तो आप याद रखिए कि आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का हो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, दोनों में ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल लॉ हो, इन दोनों में क्या बात दी गई है, कहा गया है कि जो अरेस्टेड पर्सन है, कोई व्यक्ति जो अपराधी है, उसको भी फंडामेंटल राइट मिले हैं। ध्यान दीजिए, फंडामेंटल राइट उस समय के हैं जब आप पुलिस आपको हथकड़ी लगा चुकी है, जब पुलिस आपको हथकड़ी लगा चुकी है, पुलिस आपको पकड़ चुकी है, आपका हार्ट बीट बहुत तेजी से बीट कर रहा है, ठीक है ना, आप डर के मारे पसीने छोड़ रहे हैं, पुलिस आपको पकड़े हुई है, तो उस समय आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस समय भी सोचिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, ये जो क्रिमिनल लॉ है इसने आपको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। आपकी आवाज आपके पास फंडामेंटल राइट है, क्लियर है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई।
अब देखिए कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है। यस सर। देखिए कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है, बस एक मिनट का टाइम लेंगे। देखिए द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि राइट टू बी इन्फॉर्म, आपको सूचना देने का अधिकार है एट अ टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ ऑफेंस फॉर विच पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ, किस समय पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है किसी भी अपराध के लिए, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि मैं इस टाइम पर अरेस्ट हुआ हूं, ठीक है ना। राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच पर्सन इज बीइंग अरेस्ट, ठीक है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड, आपके पास क्या राइट है, टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। मतलब आप कैद में आ गए हैं, आपको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो पुलिस आपको अधिकार देती है, पहले नंबर पे फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो उस समय आप अपने जो आपके सगे संबंधी हैं, परिवार के लोग हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भैया चाचा पापा पुलिस ने पता नहीं आई है पकड़ ली मुझे, है ना, आप बता सकते हैं। और द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, और आपको 24 आवर्स के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट होता है उस जिले में, मजिस्ट्रेट जज से काफी लोअर लेवल के होते हैं, जज क्या होता है डिस्ट्रिक्ट का सबसे हायर लेवल पे होता है, मजिस्ट्रेट लोअर लेवल पे होते हैं, बीच में भी कुछ मजिस्ट्रेट होते हैं, है ना, एडीएम भी होते हैं, एडीजे भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। डीजे का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट जज, तो डीजे जो होता है आपका, वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है जिले का, वो सबसे बड़ी रैंक पे होता है, उसके नीचे एडीजे होता है, ठीक है। एडीजे के नीचे फिर आपका एजीसीएन होता है, ठीक है, और उसके उसके बाद इस सबसे लोअर पोस्ट पे आपके इधर मजिस्ट्रेट आपके दिखाई देते हैं, जहां पर सीधे सीधे तौर पे आपको क्या मिलती है, आप वहां पर जाके आपको 24 आवर्स के अंदर, पुलिस को अधिकार नहीं है कि 24 घंटे आपको जेल में रखे, अगर पुलिस ने आपको पकड़ा हुआ है तो 24 आवर्स में एक मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत जरूर करेगी, ठीक है ना। पुलिस बताएगी, सबूत दिखाएगी मजिस्ट्रेट को कि मिलॉर्ड ये इन्होंने ये काम किया है। ये मजिस्ट्रेट वो वाले नहीं है जो कोर्ट में बैठते हैं, ये इनका अपना एक अलग से एक अपार्टमेंट होता है, छोटा सा कोर्ट जैसे बना होता है, वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं, आप 8-10 लोग वहां बैठते हैं, ज्यादा लोग नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाला जो कोर्ट होता है वो बड़ा होता है, लेकिन इनका जो होगा ना वो एक किसी भी ऑफिस में जो है, मतलब एक अपार्टमेंट में ये आपको बैठा के वहां पर एक मजिस्ट्रेट बैठेंगे, कुछ अधिकारी बैठेंगे और बाकी कुछ लोग बैठ के आमने सामने वहां पर आपकी बातचीत चल जाएगी। 24 आवर्स के अंदर आपको प्रस्तुत किया जाएगा, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि आपको पकड़ के बस आपको किसी से आपको मिलने ना दे, इन्फॉर्म ना करने दे, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं। कहां से आवाज आ रही है, तो ये बातें होंगी। अब देखिए आगे दिया है द राइट नॉट टू बी इल ट्रेटेड एंड टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट इन कस्टडी, ये तो आपको बताया है कि अगर आपको पुलिस ने पकड़ा हुआ है तो ये नहीं कि पुलिस आपको वहां कूटना शुरू कर दे, पिटाई शुरू कर देगी, है ना, आदि के ऊपर सारा। सर देखिए कंफेसेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट अक्यूज्ड। कंफेसेशन का मतलब ये होता है कि सहमति मेड इन पुलिस कस्टडी, अगर आप पुलिस की कस्टडी में हैं और पुलिस ने आपसे दो डंडे मारकर आपको कुछ भी दिखा के जबरदस्ती आपसे कुछ कहलवा लिया, या पुलिस कस्टडी में आपने कोई बात कह दी, डर के मारे कह दी या स्वयं कह दी, तो पुलिस उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती है। कि जब कोर्ट में आपको पेश करे पुलिस, तो कह दी देखिए हमारे सामने तो उन्होंने कबूल कर लिया था, तो कोर्ट सोचिए कितना किसी भी अरेस्ट किए गए व्यक्ति के लिए कितना फेवर की बात कर रहा है। कोर्ट आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको आप जेल, पुलिस आपको पकड़े हुए है, आपके ऊपर आपराधिक मामला है भी, इसके बावजूद भी कोर्ट आपको सुरक्षा दिए हुए है। कोर्ट कहती है कि नहीं, आपकी जानकारी में, आपकी कस्टडी में इस व्यक्ति ने गवाह दिया है, जवाब आपसे बयान कबूल किया है, जो भी इसने अपना अपराध कबूल किया है वो हम नहीं मानेंगे। कोर्ट के सामने जब ये कहेगा तब हम उसको मानेंगे। सोचिए कि पुलिस आपसे वहां कुछ भी कहलवा सकती है, उसको कोर्ट यहाँ नहीं मानती है, फिर से आपसे दोबारा पूछती है, ठीक है। एंड लास्ट है अ बॉय अंडर 15 इयर्स, कोई भी बच्चा जो 15 इयर्स के अंडर में है वो, और साथ ही कोई भी विमेन कोई भी हो, चाहे वो 15 इयर्स के अंडर में हो या आगे हो, 15 इयर्स तक की तो बात ही नहीं है, तो 15 इयर्स तक का कोई बॉय हो या 15 इयर्स से लगा के आगे तक, है ना, कोई भी विमेन हो, कैन नॉट बी कॉल्ड एट टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस इनको अपने अपने यहां बुला नहीं सकती है पूछताछ के लिए, इसलिए ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, ठीक है ना। ये राइट मिला हुआ है महिलाओं को, लेडीज जो भी हैं उनको ये राइट मिला हुआ है कि पुलिस उनको केवल पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है,
चलिए उनको बुला के लाइए तो हम पूछताछ करते हैं। तो आपको देखिए ये भी यहाँ पे आप चैप्टर से आपको जानकारी मिल गई, अगर कभी किसी घर में मोहल्ले में कभी ऐसी कोई वारदात होती है, कोई महिला डर के मारे भागती हुई चली जा रही है पुलिस स्टेशन, तो आप उसको मना कर सकते हैं कि भैया आपको पुलिस का ये अधिकार नहीं है कि आपको वहां लिवा जाए या आपको बुलाए, केवल पूछताछ के लिए। ये कोर्ट ने फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, क्योंकि कोर्ट को पता है ना कि कोई भी महिला अगर जाती है तो उसके लिए समाज में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, या फिर क्यों ले जाया जा रहा है, क्यों, तो उस बदनामी का डर भी रहता है। इसलिए सोचिए कि कोर्ट कितनी दूर तक आप लोगों के हित में काम कर रही है। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेट डाउन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, वो तो आर्टिकल 22 वाली बात हो गई, क्रिमिनल लॉ वाली बात हो गई। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक है, जब किसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं, पुलिस एंड अदर एजेंसीज, यानी ये दिशा निर्देश आपके लिए नहीं है, ऊपर जो आपने ये पढ़ा ये आपकी सुरक्षा के लिए, सीधे सीधे आपकी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, ठीक है ना, आप कस्टडी में जब पुलिस आपको पकड़ लेती है उस समय के लिए है। लेकिन ये जो आप पढ़ने वाले हैं ये आपके लिए नहीं है, ये पुलिस के लिए है और उस एजेंसी के लिए है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है, उनको कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, डिटेंशन कुछ नियम कानून होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, कि आप उस व्यक्ति से किस तरह से व्यवहार करेंगे। इसको नाम दिया गया है डीके बसु गाइडलाइन, अंडरलाइन करिएगा, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डीके बसु गाइडलाइन। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आंसर मैं भेज रहा हूँ वो क्वेश्चन आंसर आपकी बुक के हैं, लेकिन बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं, तो इसी तरह से बुक से बीच बीच में पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जब एक्सप्लेन अबाउट डीके बसु गाइडलाइन, तो ये 4 पॉइंट जो दिए गए हैं वो डीके बसु गाइडलाइन के हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है, उसके एक नया नाम दे दिया, डीके बसु कौन थे, कोई व्यक्ति रहे होंगे, है ना, जिनके सुझाव रहे होंगे, और उन्हीं उन्हीं के नाम पर इस डीके बसु गाइडलाइन पड़ गया। क्या कहा जा रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है कि द पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटोग्रेशन शुड डिलीवर अ क्लियर एक्यूरेट एंड विजुअल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग विद देयर डिजिग्नेशन। कहा जा रहा है कि जिस पुलिस अधिकारी, जो भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पकड़ने जा रहा है वो क्या करेगा, उस अधिकारी जो जिसको पकड़ रहा है उसको अपनी यूनिफॉर्म उसकी साफ सुथरी यूनिफॉर्म तो होनी चाहिए। साफ सुथरी का मतलब पता चले कि किस रैंक का अधिकारी है, कोई झूठा व्यक्ति तो नहीं वर्दी पहन के उसको पकड़े ले रहा है। इसलिए क्लियर एक्यूरेट होना चाहिए, उसका नाम एक्यूरेट होना चाहिए, विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी उसके होता है ना पुलिस के यहाँ पर नाम लिखा होता है कि कौन सा पुलिस अधिकारी, इसका नाम लिखा होता है, यहाँ पर बैच लगा होता है, तो आप लोग जब कोई पुलिस आपको हथकड़ी लगा रही है तो आप पुलिस के यूनिफॉर्म में लिखे गए नाम को याद कर सकते हैं कि मुझे इस पुलिस अधिकारी ने पकड़ लिया है। ठीक है, इस जानकारी के लिए देखिए सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना दूर तक सोचा है कि कल के दिन अगर कोर्ट आपको प्रस्तुत करेगी तो कोई वहां पर अधिकारी बदल नहीं जाएंगे कि नहीं मैंने नहीं पकड़ा है, आप बता सकते हैं कि नहीं, कोर्ट के सामने आप कह सकते हैं नहीं मुझे इसी अधिकारी ने पकड़ा है, कोई झूठा भी तो हो सकता है। तो नेम टैग आपका क्या होना चाहिए, वहां लिखा होना चाहिए, और आपका डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए कि आप किस पोस्ट पर हैं, है ना, सब इंस्पेक्टर हैं या कुछ और किसी पोस्ट पर हैं आपकी क्लास है। अच्छा, फिर देखेंगे, बस एक मिनट का टाइम और है। देखिए अ मेमो ऑफ अरेस्ट अंडरलाइन कर लीजिएगा, पुलिस हमेशा मेमो ऑफ अरेस्ट बनाती है। उस मेमो का मतलब क्या होता है, सारा रिकॉर्ड कि आपको किस लिए पकड़ा गया है, सारी जानकारी है ना, टाइमिंग है ना, ये सारा एक मेमो बनाती है वहां पर। शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, किस टाइम पर, सोचिए किस टाइम पर अरेस्ट किए गए हैं आप, वो भी लिखा जाएगा, एंड डेट, किस डेट में आप अरेस्ट किए गए हैं वो भी पुलिस लिखेगी, कोर्ट सब पूछती है। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाई एटलीस्ट वन विटनेस, और कोई ना कोई एक गवाह के द्वारा उसको अटेस्टेड भी होना चाहिए, कोई सत्यापन भी करे कि नहीं पुलिस जो लिख रही है सही है, एक गवाह भी उसका हस्ताक्षर भी होना चाहिए, वो आपकी फैमिली मेंबर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है गवाह के रूप में बताने के लिए कि हाँ पुलिस ने उसको पकड़ा इस टाइम पर, ये सारा गवाह। अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और उस व्यक्ति के द्वारा साइन भी होना चाहिए, फर्जी तो नहीं पुलिस कोई सत्यापन करवाए ले रही है। ठीक है, इसलिए द पर्सन अरेस्टेड डिटेन्ड और बीइंग इंटोग्रेटेड हैज अ राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव फ्रेंड और वेल विशर, आप जब गिरफ्तार हो चुके हैं तो आपको अधिकार है कि आप अपने सगे संबंधी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दें, कर सकते हैं। ठीक है, वेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लाइज आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट द टाइम प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड अ वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 hours आफ्टर अरेस्ट। याद रखिए पुलिस जब आपको पकड़ लेती है तो उस समय कहीं से भी किसी भी टाइम पर आपको पकड़ा गया तो पुलिस का काम है कि 8 से 12 घंटे के अंदर वो आपके फ्रेंड्स को, आपके
परिवार को, फैमिली को अपना जगह टाइम सब बताएगी उसको कि हमने इस टाइम पर इस जगह पर इसको पकड़ा है और ये हमारी कस्टडी में, ये पुलिस उनको बताएगी। चोरी से काम नहीं कर सकती पुलिस कि पुलिस चुपचाप आपको कैद कर ले और किसी को बताए नहीं, ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे FIR। ठीक है, मुझे था कि आज कंप्लीट हो जाएगा बट काफी टाइम लग रहा है चैप्टर में। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। रिवीजन करिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका।